तो भाई अब ये आपको ना दूर से एक बार गाड़ियाँ दिखाते हैं जो हम दिखाते आए हैं। आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ हैं, ये आधी भी नहीं आपको अभी तक दिखाई। तो अभी नीचे चलते हैं। तो यार थोड़ा सा जनरेटर की वजह से आवाज़ में डिस्टरबेंस है, लेकिन अभी जो मैंने गाड़ियाँ आपको दिखाई हैं ये सिर्फ बाहर का सीन था। अभी मैं अंदर चलता हूँ और अंदर चल के भी आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ। भैया टोटल लैंड क्रूज़र है गाड़ी, इस पर भी अभी काम चल रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि गाड़ियाँ फुली रिस्टोर होने के बाद ही आपको मिलती है। तो आ जा भाई इधर, तो आप देख सकते हो कि इस गाड़ी में जो भाई है अपना वो काम पे लगा हुआ है। तो ऐसे ये काम चल रहा है गाड़ी का, और गाड़ी का इंजन भी आप देख सकते हो। तो ये रहा भाई गाड़ी का इंजन, अभी इस पर काम चल रहा है गाड़ी पे। और अभी आपको दिखाता हूँ एक और, ये साथ में प्राडो खड़ी है, 120 सीरीज़ की प्राडो है ये। 2004-5-7 मॉडल तक ये वाली प्राडो आई थी, ये भी अभी रिस्टोर होगी। फुली रिस्टोर होने के बाद ही गाड़ी मिलेगी आपको। मैं सारी गाड़ियाँ इसलिए दिखा रहा हूँ ताँ, जो आपने पिछली वीडियो में बोला था कि आपने गाड़ियाँ सही से दिखाई नहीं, एक बार आप सभी गाड़ियाँ देख लो, जो भी आपको परचेज़ आपने करनी हो वो गाड़ी आप परचेज़ कर सकते हो। तो अभी एक बीस्ट और खड़ा है साथ में, ये भी 100 सीरीज़ की लैंड क्रूज़र है। ये अभी मेरे ख्याल से रिस्टोर हो चुकी है या रिस्टोर होनी हो ही चुकी है। वैसे अभी थोड़ी सी डस्ट है इस पर, तो अभी आपको दिखाता हूँ अंदर से, इस पर काम काफ़ी बढ़िया हुआ है। तो देख सकते हो ये ऑटोमेटिक लैंड क्रूज़र है। तो लैंड क्रूज़र की काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है पाजी के पास। तो साथ में आप देख सकते हो एयर बैग, हीटेड सीट्स, हाइट कंट्रोल, हर एक चीज़ इस गाड़ी में आती है। और ये लेजेंडरी गाड़ी है। तो एक मैं सिर्फ आपको निगाह मरवा रहा हूँ गाड़ियों पर, तो आप देख सकते हो 150 सीरीज़ वाली प्राडो है यहाँ पे, जो फेसलिफ्ट हुई है। तो भाई वन टन दिखाने के बाद ये एक बार सारी गाड़ी ये वाली भी दिखा दे। बिल्कुल नया लुक दे दिया इसको, 2018 मॉडल का, 2008 मॉडल गाड़ी है, फेसलिफ्ट हो रही है ये। तो गैराज के हम अंदर आ चुके हैं। ये भाई मर्सिडीज़, ये भी अभी रिस्टोर हो रही है गाड़ी, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम अभी बाकी है, लेकिन बाहर से जो बॉडी पेंट है गाड़ी का वो हो चुका है। तो इसकी बाद में अलग से, हर एक प्रोजेक्ट की अलग से मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जब ये गाड़ियाँ फुली रिस्टोर हो जाएंगी। तो भाई यहाँ पे मित्सुबिशी पजेरो खड़ी है, तो ये भाई BMW साथ में, इसके भी इंजन में काम चल रहा है अभी, तो ऊपर से नीचे तक। और साथ में जो गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी 6 करोड़ इसका प्राइस है, और इसका भी अभी इंजन वर्क किया है पाजी ने। ये है बेंटले, W12 इंजन है इस गाड़ी में। ये भाई आप देख सकते हो बेंटले है, साथ में BMW है। तो ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसमें अभी काम शायद कोई होगा जो कर सकता हो कंपनी के बाहर, तो वाहू ऑटो गैरेज ने करके दिखाया है। अभी अंदर से गाड़ी देखो भाई, क्या गाड़ी है ये, W12 इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। तो ये एक और लैंड क्रूज़र खड़ी है, अभी इस पर भी काम चल रहा है। तो ये जो गाड़ी है भाई, ये है 80 सीरीज़, ये भी अभी रिस्टोर हो रही है, इसका इंजन वर्क हो रहा है, पेंट का काम इसका काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, लेकिन रिस्टोर होने के बाद इसमें जो लिफ्ट किट लगेगी जब ये प्रॉपर तैयार हो जाएगी। ये 80 सीरीज़ की लेजेंडरी लैंड क्रूज़र है, बहुत ही कम देखने को मिलती है इंडिया में ये गाड़ियाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जब तैयार हो जाएगी तो इसका एक अलग से वीडियो देंगे। और साथ में भाई आजकल पंजाब में जिसका सबसे ज़्यादा ट्रेंड है रेंज रोवर वोग, ऐसी बड़ी गाड़ियाँ ही मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल कम देखने को मिले। और ये भी रीस्टोर के लिए है और फॉर सेल है ये गाड़ी। अगर आप इसे भी परचेज़ करना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो, फुली रिस्टोर होने के बाद, हर एक काम बारीकी में होने के बाद ही ये गाड़ी आपको मिलेगी। भाई ये मेरी फेवरेट 80 सीरीज़, जो काफ़ी हद तक इस गाड़ी को रिस्टोर कर दिया गया है,
बहुत ही बढ़िया ऑरेंज पेंट है, ग्लॉसी ऑरेंज पेंट इस गाड़ी पे किया गया है। तो ऑफ रोड वाला बम्पर है, भाई ये है लैंड क्रूजर 80 सीरीज। हाँ भाई देख सकते हो, पेंट की क्वालिटी देखो भाई, पहले पेंट की क्वालिटी देखो, क्या क्वालिटी में पेंट किया गया है। तो गाड़ी को फुली रिस्टोर कर दिया गया है। थोड़ी सी आवाज़ आ रही है बाहर से डिस्टर्बेंस की, तो भाई माइंड मत करना, क्योंकि वर्कशॉप है, यहाँ पे काम चल रहा है। अगर काम चलेगा तभी तो गाड़ियाँ रिस्टोर होगी। अगर आप इसे भी ख़रीदना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो। अभी बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ जो आपको दिखानी है भाई, बहुत सी गाड़ियों की वीडियोस आने बाकी है, ये आप देख सकते हो भाई। एक गैराज टूर जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो भाई ये भी एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की गाड़ी है, बहुत ही बड़ी और बल्की सी गाड़ी है ये भी जो साथ में खड़ी है। एक तो ऐसी गाड़ियाँ देखने को कम ही मिलती है, लेकिन वाहो ऑटो डिज़ाइन पे आपको ये सब गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो, जब भी इस कोई अगर आप इसे भी रिस्टोर करवाना चाहते हो तो रिस्टोर हो जाएगी। ये फॉर्चूनर है भाई, ये भी इंडिया में आज तक किसी ने भी ऐसा प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया। ये फॉर्चूनर का एक पिक्का बना रहे हैं, जिसका कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। और इस जब ये फॉर्चूनर प्रॉपर रेडी हो जाएगी, इसकी वीडियो आएगी, तो एक अलग सा ट्रेंड चल जाएगा इंडिया में। तो ये पीछे से आके थोड़ी सी गाड़ी दिखा दे, तो आप देख सकते हो पीछे से इसको काट कर जो इसका पिकअप ट्रक बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा चलन है अमेरिका कनाडा में पिकअप ट्रक्स का। तो वैसे फॉर हाइलक्स भी इसे बोल सकते हो, लेकिन हाइलक्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें तैयार होगी मेरे ख्याल से। बाकी तो तैयार होने के बाद आपको एक प्रॉपर इस गाड़ी की वीडियो दिखाएंगे। तो अभी और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं वो आपको दिखाते, निशान वनटन इसकी भी एक अलग से वीडियो मैंने आपको दे दी है बनाकर। तो भाई अभी गैराज की बैक साइड पे आए हैं, यहाँ पे एक फोर्ड की गाड़ी है, पता नहीं ये कौन सी है, लेकिन V8 इस पे लिखा हुआ है गाड़ी पे। तो ये एक बस है, इसका भी ऑटो होम बनेगा, और ये लैंड क्रूज़र प्राडो है साथ में खड़ी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो इसे भी आप परचेज़ कर सकते हो कॉल करके। सभी गाड़ियाँ फॉर सेल है, आपको रिस्टोर होने के बाद सभी गाड़ियाँ मिलेंगी। तो ये भी लैंड क्रूज़र FJ60 है, ये भी बहुत ही ज़्यादा रेयर कार है, बहुत ही ज़्यादा रेयर। अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे वाहू ऑटो डिज़ाइन पे ये गाड़ी आप अवेलेबल है फॉर सेल, रिस्टोर होने के बाद आपको मिलेगी। प्राइस आप कॉल करके पूछ सकते हो। ये भी एक गाड़ी है, ये भी फॉर सेल है, ये ट्रू विंटेज गाड़ी जिसे हम बोल सकते हैं ना, ये विंटेज कार में आती है, प्रॉपर विंटेज जिसे बोल सकते हैं, 1951 मॉडल है ये। और साथ में एक टोयोटा की बस है और जी वैगन खड़ी है साथ में एक। इस पर अभी काम चल रहा है, रिस्टोर हो रही है ये गाड़ी, तो अभी वर्कशॉप में ही पीछे काम चल रहा है। सामने भी एक मर्सिडीज़ कार है, ये भी फॉर सेल है, रिस्टोर होने के बाद आपको प्रॉपर ये गाड़ी मिलेगी। तो इधर अपने भाई है जो काम कर रहे हैं गाड़ी में, तो ये भी एक मर्सिडीज़ है साथ में। और ये वाली गाड़ी है, इसका पहले ट्रेंड था, ये पाजी ने तैयार की थी आज से 10-12 साल पहले। लैंड क्रूज़र की लिमोजिन थी ये, लिमोजिन मतलब बनाई थी लैंड क्रूज़र की, चेसी को बड़ी करके। तो पहले शादियों में काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ी आती थी, ऐसी गाड़ियाँ कम से कम 80-90 गाड़ियाँ जो वाहो ऑटो डिज़ाइन ने डिज़ाइन की थी। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट रूल के ख़िलाफ़ है, तो ये गाड़ी अभी ऐसे ही खड़ी है यहाँ पे। अगर कोई शौकिया इसे भी लेनी चाहता है तो परचेज़ कर सकते। इसमें V8 पेट्रोल इंजन है इस गाड़ी में, जो लैंड क्रूज़र सिग्नस आती है वो सिग्नस है, ये सिग्नस का मॉडल है। लेकिन इसे अंदर से थोड़ा चेसी को लंबा करके शादियों के लिए तैयार की गई थी ये गाड़ी। तो उधर एक लैंड क्रूज़र प्राडो है, और साथ में पीछे तो नॉर्मल कोई होंडा की या पता नहीं कौन सी गाड़ी है। तो अभी इधर से एक बार निगाह मरवा सकें, तो भाई देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा विंटेज क्लासिक गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं सारी की सारी। आप कोई भी परचेज़ कर सकते हो, कोई भी अगर आप परचेज़ करना चाहो तो। भाई प्रॉपर आपको मैंने अभी दिखा दी, अभी आप अभी कमेंट मत करना कि भाई गाड़ियाँ सही से नहीं दिखाई, भाई प्रॉपर दिखा दी है। बट हर एक गाड़ी मैं आपको प्रॉपर उस टाइम दिखाऊंगा जब वो गाड़ी तैयार हो जाएगी। तो अभी मैंने एक दो गाड़ियों के आज भी वीडियोस बनाए हैं, जो कि
प्रॉपर रिस्टोर होने के बाद गाड़ियाँ तैयार हुई हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक गैराज का टूर। ये टूर मैंने रीशूट इसलिए किया क्योंकि पहली बार कैमरा काफ़ी शेक ही था, लेकिन इस बार हमने रॉनिन एस की आपकी खातिर परचेज़ की है। तो इसी बात पे भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ मैं आपको इस चैनल पर दिखाने वाला हूँ जो आपको आज तक किसी ने नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे खुद को शौक़ है गाड़ियाँ मॉडिफ़ाई करने का। पंजाब में इसका पूरा ट्रेंड है गाड़ियाँ मॉडिफ़ाई करने का, लेकिन हमें वो प्लेस, हमें वो जगह नहीं मिलती जहाँ पर हम अपनी गाड़ियों को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट ही नहीं मिलता इजीली। चलो इसी बात से मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो बाय बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो।